Hello students, welcome to the current affairs class 25th May 2019. 25 May 2019 की current affairs class में आप सबका स्वागत है। ये एक daily series है, daily 3 से 4 मिनट का ये video आपको मिलेगा। जो assignment sheet आप इस समय screen पे देख रहे हैं, ये आप download कर सकते हैं। Just आप visit कर लीजिए, का नीचे जो हमारा description box है, उसमें details दिया हुआ है कि कैसे आप इस assignment sheet को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने पास, क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाली चीज़ है। सो शुरू करते हैं आज के टॉप 5 पॉइंट्स 25 मई 2019 के। सो लेट्स फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। पहला पॉइंट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित व्यक्ति गोपाल श्रेष्ठ किस देश के हैं? ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। ये बन सकते हैं कि HIV संक्रमित व्यक्ति हैं गोपाल श्रेष्ठ, उन्होंने किस चोटी को चढ़ा? आंसर माउंट एवरेस्ट। दूसरा, माउंट एवरेस्ट पे जो ये बना हुआ, माउंट एवरेस्ट पे पहले व्यक्ति जो HIV संक्रमित हैं वो उन्होंने चढ़ाई करी, वो किस, उनका नाम क्या है? उनका नाम गोपाल श्रेष्ठ है। वह किस देश को बिलोंग करते हैं? वह नेपाल को बिलोंग करते हैं। एक पॉइंट और ऐड करेंगे इसमें, वह कितने साल के हैं? वह 56 साल के हैं। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को चार तरीके से पूछा जा सकता है। सो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित व्यक्ति गोपाल श्रेष्ठ नेपाल के हैं, 56 साल के हैं। ये हमारा आंसर था पहली स्टेटमेंट का। दूसरी स्टेटमेंट हम कल के करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भारत के लिए। एक भारतीय कंपनी ने इतिहास रच दिया है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है वो। नाम पूछ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की सेवाएं प्रदान करती है और इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। इन्होंने अमेरिकी कंपनी DXC टेक्नोलॉजी को आमदनी के मामले में पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भारत के लिए बहुत प्राउड मूमेंट है कि हमारी ये कंपनी जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर अभी रिपोर्ट हुआ है, इनकी आय 2090 करोड़ डॉलर की आय रिपोर्ट की गई है। सो बिग मूमेंट फॉर इंडिया, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट TCS फॉर दिस अचीवमेंट। इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए हम सब मिलकर TCS को बधाई देते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, पॉइंट नंबर 4। एक भारतीय राजनयिक को हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए नामित किया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्याम सरन। श्याम सरन जो हैं वो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। 88 में, अगर आपको पता हो तो 88 में इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, इन्हीं के एफर्ट से था। और इंडिया और जापान के जो रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट मिली है, जो रिलेशन को स्ट्रेंथन किया गया है, इनके बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं अपने पूरे ड्यूरेशन में। और इसी के लिए जो है जापान जो है इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो उनका एक पुरस्कार है, खिताब है, और काफ़ी पुराना खिताब है। इसका चलन 1857 में एम्परर मैजी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था जापान में, तो ये दिया जाता है। और जो हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन, उनको ये दिया जा रहा है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4 स्टेटमेंट में। पॉइंट नंबर 5 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डैक हैमरसोल्ड मेडल दिया गया है, इनका नाम क्या? नाम आपके सामने दिया हुआ है, जितेंद्र कुमार। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? या आपको याद होगा, आपको पता होगा, इनफैक्ट UN पीस कीपिंग पूरे विश्व भर में पीस मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स लगाती है और अपनी जो सेना है उसको तैनात करती है पीस एफर्ट्स के लिए। तो जो रिपब्लिक है कॉन्गो का, वहाँ पे जो हमारी UN पीस कीपिंग की जो सेना थी, वहाँ से 119 लोग जो हैं वो वापस नहीं आ पाए उस एफर्ट्स के दौरान। तो उन्हीं में एक हमारे भारत के शांति सैनिक थे जिनका नाम था जितेंद्र कुमार, और इनको मरणोपरांत डैक हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। 119 सैनिक जो लौट के नहीं आए उन सबको सम्मानित किया गया है, और भारत के जो हमारे जितेंद्र कुमार हैं
उनको पॉस्थमसली यानी कि मरणोपरांत डैग हैमरसोल्ड मेडल दिया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। और हम आखिरी पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारी शीट है इसकी लास्ट स्टेटमेंट ले लेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है? नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू। बहुमत नहीं मिला इसके लिए, उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को दे दिया है। सो ये थे हमारे 5 टॉप पॉइंट्स जो हम रोज डिस्कस करेंगे। आज 25 मई है, 25 मई को हम ये डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट शीट ये आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा कैसे आपको शीट डाउनलोड करनी है। और मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कहूँगा, मैं हर फ्राइडे 4 बजे मैं मिलता हूँ आपको लाइव, मेरे लाइव वेबिनार काउंसलिंग सेशन में। अगर आपको अपने करियर से जुड़ा कोई भी सवाल है, तैयारी कैसे करनी है, गवर्नमेंट जॉब सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या एज क्राइटीरियाज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटीरियाज हैं, कैसे आप अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं, आपके पास कोई भी सवाल हो, आप फ्राइडे मिलिए मुझे 4 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन करिए, मिलिए मुझसे 4 बजे लाइव। पूरे भारतवर्ष के साथ ये मैं अपना वेबिनार करता हूँ, आप भी मिलिए मुझे, जुड़िए इस वेबिनार में और आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो दोबारा मिलेंगे हम, कल संडे है, संडे का इंटरपेसी क्लास नहीं होती है, अब हम मंडे वापस आएंगे इंटरपेसी क्लास लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, थैंक यू।